वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम देखेंगे थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कैस्ट्राब्रिज। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, इस नावल को लिखा था थॉमस हार्डी ने। इस पूरे नावल को एक सीरीज में पब्लिश किया गया 1886 में। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए वीकली सीरियलाइजेशन फ्रॉम जनवरी 1886। तो चलिए फ्रेंड्स कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 1820 को हेंचर नाम की फैमिली से। हेंचर नाम की फैमिली माइकल हेंचर है, सुशेन है, उन दोनों की एक बेटी है एलिजाबेथ जेन। इनकी पूरी फैमिली वेडन प्रायर नाम के एक गांव में आते हैं। माइकल हेंचर वेडन प्रायर में काम की तलाश में आया है। हेंचर चाहता है उसे कोई छोटी मोटी नौकरी उसे मिल जाए। दोस्तों हेंचर फैमिली ट्रेवल करते करते एक रास्ते में रुकती है। तीनों लोग एक टेंट में रुकते हैं खाना खाने के लिए। उस टेंट में हेंचर शराब पीने लगता है। हेंचर खूब शराब पीता है और अपना कंट्रोल खो देता है। हेंचर शराब के नशे में अपने वाइफ को सुशन को बुला भरा कहता है। हेंचर कहता है कि तुम कहता है कि मैं तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी में सबसे बेकार डिसीजन लिया हूँ। और फ्रेंड्स हेंचर शराब के नशे में अपनी वाइफ सुशैन की बोली लगाने लगता है और कहता है कि इसे खरीद लो, मुझे ये नहीं चाहिए। उसी टाइम में रिचर्ड न्यूसन नाम का एक बंदा होता है जो कि सेलर है, सेलर यानी नाविक। रिचर्ड कहता है कि मैं सुशैन को खरीदने के लिए तैयार हूँ। रिचर्ड हेंचर्ड को 5 गिनीज में उसे खरीद लेता है, यानी रिचर्ड हेंचर से। तो लेकिन वह रिचर्ड से साथ चली जाती है, गुस्सा होती है फिर भी चली जाती है और अपनी बेटी एलिजाबेथ को भी लेके जाती है। हेंचर्ड उसी टेंट में सो जाता है और जब अगली सुबह वह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। लेकिन उससे हेंचर्ड को बहुत गुस्सा आता है अपनी वाइफ पर, लेकिन उससे फिर वे दोनों नहीं मिलते हैं। हेंचर्ड थक हार के मान लेता है कि अब उसे अपनी बेटी और पत्नी को नहीं ढूंढ पाएगा, अब वो नहीं मिलेगी। हेंचर्ड कसम खाता है कि वो 20 साल तक शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद हेंचर्ड साउथ में चला जाता है कैस्ट्राब्रिज नाम के एक जगह पे। अब कहानी 18 साल की बाद यहाँ से शुरू होती है फ्रेंड। 18 साल बाद सुशन दोबारा उसी गांव में फिर आती है जहाँ सुशन हेंचर्ड से अलग हुई थी। सुशन के साथ उसकी बेटी एलिजाबेथ भी आई थी। एलिजाबेथ अब जवान हो गई है। एलिजाबेथ को अपने पेरेंट की सृष्टि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने पता करने की कोशिश की उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। यहाँ बता दें फ्रेंड, जो रिचर्ड न्यूसन था अब उसकी रिचर्ड की मौत हो गई, जो दूसरा हस्बैंड था अब वहाँ गांव में ढूंढने आया है। यहाँ पर हम बता दें आपको कि सुशैन रिचर्ड के साथ रह रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि रिचर्ड हेंचर्ड को पैसे देकर उसे खरीद लिया। लेकिन रिसेंटली सुशैन को यह पता लगता है कि पड़ोसी से ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो वैलिड नहीं है। हेंचर्ड ने जो पैसे दिए हैं वो वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है। सुशैन का पड़ोसी सुशैन से बताता है कि जो रियल तुम्हारा हस्बैंड हो वो हेंचर्ड ही है। इस वजह से सुशन हेंचर्ड को ढूंढने के लिए वहाँ आती है। अब तो रिचर्ड मर भी गया है और अब ज़्यादा फ्री हो गई है। सुशन उसी टेंट में जाते हैं जहाँ रिचर्ड ने उसे बेचा था। वहाँ पे सुशन की मुलाकात फर्मेटी वुमेन से होता है। फर्मेटी वुमेन सुशन को बताती है तुम्हें कैस्ट्राब्रिज जाना चाहिए हेंचर्ड को ढूंढने के लिए। इसके बाद सुशन कैस्ट्राब्रिज चली जाती है और जब वहाँ जाता है ढूंढने कैस्ट्राब्रिज में तो वहाँ उसे पता चलता है कैस्ट्रा हेंचर्ड वहाँ का मेयर बन चुका है। कैस्ट्राब्रिज में एक जगह होती है गोल्डन क्राउन। होटल के बाहर बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। सब लोग हेंचर्ड से नाराज़ हैं। वे लोग से सब शिकायत लेके आए हैं हेंचर्ड से कहने के लिए कि शिकायत है कि उनकी फसल ख़राब हो गई है। फ्रेंड्स अब सुशन को हेंचर्ड तो मिल गया, उसे पता हो गया कि हेंचर्ड होटल में ठहरा हुआ है। लेकिन अब सुशैन को शर्म आने लगती है कि कैसे वह अपने इतने
सालों के बाद अपने हस्बैंड के साथ पास जाए और किस मुंह से हस्बैंड के पास जाए। सुसैन की हिम्मत नहीं हो रही है चैन हिंचर से मिलने के लिए। सुसैन डिसाइड करती है पास किसी होटल में रुक जाएगी। फ्रेंड्स, सुसैन अपने बेटी के साथ द किंग ऑफ प्रूशिया होटल में जाती है। फ्रेंड्स, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उस होटल का बिल चुका पाए और वहाँ होटल की वेट्रेस बन जाती हैं और बदले में होटल का मालिक उस एलिजाबेथ और उसकी माँ को ठहरने के लिए जगह दे देता है। अब फ्रेंड्स, हिंचर्ड उसी होटल में जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ वेट्रेस बनी हुई है। हिंचर्ड यहाँ पर डोनाल्ड फारफ्री नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आता है। फारफ्री हिंचर्ड को बताता है कि मेरे पास एक मेथड है, एक तरीका है जो जिससे तुम्हारी खराब फसल फिर से रिस्टोर हो जाएगी और तुम्हारे पैसे बच जाएगी। दोस्तों, हिंचर्ड फारफ्री के बातों से बहुत ही प्रभावित होता है, उसे अपना मैनेजर बना लेता है और सुसन भी थोड़ा हिम्मत जुटाती है और हिंचर्ड को एक नोट लिखती है और माइकल हिंचर्ड को एक सीक्रेट जगह पे रात को बुलाती है और दोनों फैसला करते हैं कि फिर से शादी करेंगे और साथ में रहेंगे और दोनों शादी कर लेते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। और जो हिंचर्ड का मैनेजर है फारफ्री, अब एलिजाबेथ के करीब आने लगता है। इसके अलावा जितने भी टाउन के वर्कर हैं, विलेजर हैं, सब फारफ्री के ज़्यादा करीब आने लगते हैं क्योंकि फारफ्री इंटेलिजेंट था। फारफ्री की पॉपुलरिटी ज़्यादा लोगों में फैलने लगती है क्योंकि फारफ्री सभी लोगों से बड़े अच्छे से मिलता है। हिंचर्ड इस बात से जलने लगता है और हिंचर्ड को यह बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। हिंचर्ड को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि फारफ्री उसकी बेटी एलिजाबेथ के पास आए। सुसैन की डेथ हो जाती है। सुसैन की मौत के बाद एलिजाबेथ को सब कुछ बता देती है, कैसे उसने सुसैन को बेच दिया था और तुम दोनों उससे अलग हो गए थे। एलिजाबेथ के सारी सच्चाई बताने के बाद हिंचर्ड के लेटर नज़र लेटर पर पड़ती है। यह लेटर सुसैन ने अपने मरने से पहले बताई थी। फ्रेंड्स, उसके बाद आप जानते हैं कि जो हिंचर्ड था वो बहुत ही अपने किए पे पछतावा कर रहा था। उस लेटर पे लिखा था यह लेटर तब तक न खोला जाए जब तक एलिजाबेथ की शादी न हो जाए, लेकिन हिंचर्ड से शब्द नहीं होता और वह लेटर को खोल कर पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है सुसैन, लेटर में लिखी होती है हिंचर्ड और सुसैन की जो बेटी होती है वह मर गई है, यह एलिजाबेथ जो है जो जवान है उसके साथ रुकी हुई है, हिंचर्ड की बेटी नहीं है बल्कि रिचर्ड की बेटी है। दोस्तों, एलिजाबेथ ने हिंचर्ड को अपना फादर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हिंचर्ड को इस लेटर को पढ़ने के बाद उसका मूड ख़राब हो जाता है। एलिजाबेथ के साथ रूडली बिहेव करने लगता है, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता क्योंकि उसे पता लग गया कि एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं। एलिजाबेथ बहुत कोशिश करती है किसी तरह उसके फादर उससे खुश हो जाए, लेकिन हिंचर्ड एलिजाबेथ से रूडली ही बात करता है। एलिजाबेथ बहुत परेशान और दुखी हो जाती है और अपने माँ सुसैन की कब्र पर जाती है क्योंकि एलिजाबेथ का अब दुनिया में कोई नहीं है। एलिजाबेथ को कब्रिस्तान में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है लुसेटा। लुसेटा एलिजाबेथ की पूरी कहानी सुनती है तो लुसेटा एलिजाबेथ से कहती है तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में साथ में रहो। दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हिंचर्ड कैस्ट्राब्रिज में आया था तो उसकी गर्लफ्रेंड लुसेटा बन जाती है, उसका नाम था लुसेटा। अब एलिजाबेथ को लुसेटा अपने घर पे लेके जाती है। लुसेटा एलिजाबेथ को इसलिए जोर दे रही है तुम मेरे घर में रहो क्यों, ताकि हिंचर्ड जब तुमसे मिलने के लिए आएगा, इस बहाने लुसेटा भी हिंचर्ड से मिलने लगी। लेकिन यहाँ कुछ और होता है, एलिजाबेथ से मिलने के लिए फारफ्री आने लगता है। तब उसकी मुलाकात लुसेटा से होती है। तब लुसेटा और फारफ्री एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लुसेटा का इंटरेस्ट अब हिंचर्ड की जगह लुसेटा का इंटरेस्ट फारफ्री में हो गया है। अब फ्रेंड्स, ये सारी बात जब हिंचर्ड को पता लगती है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब फारफ्री हिंचर्ड का दुश्मन बन गया है। हिंचर्ड को एक आदमी बताता है कि इस बार मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, मौसम ख़राब होने की वजह से सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी।
हेंचर जब इस बात को पता चलता है तो बहुत सारा अनाज खराब अनाज खरीद लेता है। एक बंदा है जॉब, उससे ये पता चलता है, उससे बहुत ढेर सारा अनाज खरीद लेता है और कहता है कि इसको ढेर बहुत सारे दाम में इसको बेचूंगा, ढेर सारी मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन मौसम ख़राब नहीं होता जैसा उसने कहा था, मौसम भी ख़राब नहीं होता। इसके वजह से हेंचर ने जितना हेंचर खरीद लेता है उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खरीद लिया था, रेट नहीं बढ़ा था। हेंचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लुसेटा के घर में आता है और उससे धमकी देता है। हेंचर लुसेटा से कहता है, या तो तुम शादी कर लो, अगर तुमने शादी नहीं की तो कसम से जितने भी तुम लेटर मुझे लिखी हो सारे लेटर को मैं पब्लिक कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगी। अब फ्रेंड्स, एक दिन होता है कि एलिजाबेथ और लुसेटा रोड पर चल रहे होते हैं, एकदम से उन दोनों का पीछा एक सांड करने लगता है। तभी हेंचर के हीरो की तरह एंट्री होता है और उन दोनों को सांड से बचा लेता है और अपने घर पे लेके जाती है और बहुत आराम से उसे बताती है कि मैं फारफ्री से शादी कर ली हूँ। अब लुसेटा हेंचर से कहती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लुसेटा हेंचर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो भी उसने लेटर कुछ लिखे हैं उसे पब्लिक ना करो, ज़िंदगी बर्बाद ना करो और उसे अपने हस्बैंड फारफ्री के साथ चैन से खुशी से रहने दो। इसके बाद फ्रेंड्स हेंचर टूट जाता है, उसका बिजनेस भी टूट गया है, उसका घर प्रॉपर्टी सब बेचना पड़ता है और लुसेटा ने उसका दिल भी तोड़ देता है और उसने जो कसम खाई है 20 साल शराब नहीं पिएगा, उस कसम को खाए हुए भी 20 साल हो गए हैं। तो हेंचर उसने खूब शराब पीता है। हेंचर शराब पीकर देखता है कि वो सोचता है जो कुछ दिन पहले उसका हुआ करता था सारा प्रॉपर्टी, आज वो फारफ्री का हो गया है, फारफ्री सारा चीज़ खरीद लेता है। हेंचर लुसेटा को लेकर जोर जोर से रोने लगता है और उन सभी लेटर को जॉब को दे देता है और जॉब से कहता है ये सारे लेटर तुम लुसेटा को दे दो ताकि ये लेटर प्राइवेट रहे, पब्लिक ना हो। लेकिन जॉब लुसेटा से नफरत करता है जिसके वजह से जॉब उस लेटर को पब्लिक कर देता है, जिसके वजह से लुसेटा की बदनामी हो जाती है। इसके बाद लुसेटा मर जाती है। अब हेंचर के पास एलिजाबेथ के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। हेंचर एलिजाबेथ से अभी भी बहुत प्यार करती है, अभी भी उसे फादर मानती है। हेंचर को अब उसे प्यार हो गया है, अब एलिजाबेथ को अपनी बेटी की तरह से ट्रीट करता है। लेकिन अब कहानी में एक दूसरा ट्वीट आता है। आपको याद है कि उस एलिजाबेथ की माँ का जो दूसरा हस्बैंड था रिचर्ड, वो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो नाटक किया था कि मैं मरने की, लेकिन वह मरा नहीं था। लेकिन जब रिचर्ड को पता चला है तो रिचर्ड मर चुका है, तो वह अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया है। हेंचर्ड रिचर्ड को देखकर डर जाता है, वह नहीं चाहता कि एलिजाबेथ उससे दूर जाए। लेकिन हेंचर्ड रिचर्ड से कह देता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है। झूठ तो बोल दिया उसने, लेकिन इस हेंचर्ड को इस बात का अंदाज़ा है कि वो अब एलिजाबेथ को नहीं पाल सकता। हेंचर्ड अब इस लायक नहीं है। हेंचर्ड एलिजाबेथ के ऊपर एक बोझ बन गया है। इस वजह से हेंचर्ड एक दिन चुपचाप कैस्ट्राब्रिज को छोड़ के चला जाता है। लास्ट में डोनाल्ड फारफ्री और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि लुसेटा की तो मौत हो जाती है, तो ये दोनों शादी कर लेते हैं। रिचर्ड वो भी एलिजाबेथ की शादी को अटेंड करते हैं, खूब नाचते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ और फारफ्री हेंचर्ड को खूब ढूंढते हैं, लेकिन पता चलता है कि अब वो दोनों मर चुके हैं। इसी से फ्रेंड्स कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू सुनने के लिए और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक कमेंट कीजिए।